तो आज यहाँ पे हमने टू टायर केक बनाया है, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी टेक्निक्स के साथ ये चॉकलेट केक हमने बनाया है। साथ ही में आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्रिपिंग एंड थोड़े से आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यहाँ पे हमने डेकोरेशन किया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक जरूर देखना और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो केक बेक किए थे, 1.5 किलो का केक था। तो फर्स्ट वाला जो स्पॉन्ज हमने यहाँ पे बेक किया था ये 1 kg का था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 7 inches का केक टिन यूज किया है। देख सकते हो अच्छे से केक को अभी हम लोग डीमोल्ड करने वाले हैं, तो सारे एजेस को अच्छे से लूज करके आपको यहाँ पे केक का कटिंग करके लेना है। तो अच्छे से यहाँ पे मैं अभी एजेस सारे लूज करके ले रही हूँ, जिससे अपना केक बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो देख सकते हो इजीली हमें यहाँ पे नाइफ का यूज़ करना है और जस्ट केक टिन को उल्टा करके एक दो बार आप जस्ट टैप भी करोगे तो भी केक आपका इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। बटर पेपर यूज़ किया था जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, ऑडी का इको बेकअप पेपर मैंने यूज़ किया था और अभी इसके हम लोग 3 equal layer कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं टॉप का लेयर कट करके ले रही हूँ, जिससे हमें एक प्रॉपरली लेयर मिल जाए और इसके बाद सेकेंड वाला लेयर भी सेम टेक्निक्स के साथ ही हम लोग यहाँ पर कट करने वाले हैं। जस्ट हैंड से केक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देना है और साथ ही में ध्यान भी रखना है कि साइड से आपका एज जो भी केक का कटिंग हो रहा है वो प्रॉपरली कट हो जाए। थोड़ा सा टॉप से भी यहाँ पे मैंने कटिंग करके लिया है, जिससे केक सोक करने में बहुत आसानी हो जाए। अच्छे से यहाँ पे लेयर कट करने के बाद देख सकते हो केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे बेक हुआ था हमारा। और साथ ही में यहाँ पे हमने लिया है अभी केक बेस, केक बेस के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा के लिया था मैंने और अभी इसका हम लोग अच्छे से सोकिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं वाटर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास वाटर स्प्रे नहीं है तो जस्ट एक कटोरी में आपको पानी लेना है और स्पून की मदद से भी आप अच्छे से यहाँ पे केक को सोक कर सकते हो। नॉर्मल व्हिप क्रीम का ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा चॉकलेट केक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने नॉर्मल चॉकलेट क्रीम का यूज़ ना करके, मतलब ट्रफल क्रीम का यूज़ ना करके नॉर्मल क्रीम ही यूज़ किया है और थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज़ किया था, जिससे केक को एक स्वीटनेस भी आएगा और चॉकलेट गनाश का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पे क्रीम से कवर करने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट गनाश यूज़ करेंगे हम लोग। चॉकलेट गनाश का रेशो कैसे होना चाहिए, चॉकलेट गनाश किस टाइप से बनाना है, कैसे उसका टेम्परेचर सेट करना है, इसका डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो ज़रूर चेक करना। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं स्पून की मदद से ही अच्छे से स्प्रेड करके ले रही हूँ। ज़्यादातर मैं स्पून या पैलेट नाइफ से ही स्प्रेड करती हूँ। अगर आपको दोनों से भी नहीं पॉसिबल हो रहा, नहीं जम रहा, तो आप क्या कर सकते हो पाइपिंग बैग में भर के उससे भी आप यहाँ पे जो आपके गनाश का लेयरिंग है वो कर सकते हो। इसके बाद सेकेंड लेयर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अच्छे से यूज़ करने के बाद साइड से भी हम लोग क्रीम से कोट करने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे साइड से ही सबसे पहले हम लोग क्रीमिंग करने वाले हैं, जिससे केक अपना लेयर बहुत अच्छे से सेट हो जाए और बेस पे भी केक बहुत इजीली सेट हो जाता है। तो अच्छे से हमें यहाँ पे सेट करके लेना है और इसके बाद फिर से एक बार हम लोग वाटर से सोक करेंगे। अच्छे से हमें सोक करना है, जिससे क्या होगा केक अपना बहुत अच्छे से मॉइस्ट भी हो जाएगा। तो देख सकते हो अच्छे से मॉइस्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने फिर से एक बार क्रीम लिया है, ऊपर से अच्छे से हम लोग इसका भी कोट करने वाले हैं। अच्छे से क्रीम स्प्रेड करके चॉकलेट गनाश मैंने फिर से यहाँ पे लिया है। जितना भी आपके केक का वेट रहेगा, जितना भी आपके केक का साइज़ रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल करना है। अच्छे से उसे स्पून से स्प्रेड करो और इसके बाद फिर से एक बार जो भी केक का आपका लास्ट वाला लेयर है वो हमें यूज़ करना है। तो आज मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाली हूँ लेयर, ये हमारा केक का टॉप वाला ही लेयर था। अभी उसका आप उल्टा यूज़ करोगे उसे रख के तो भी चलेगा, बहुत ईजीली यहाँ पर आपका केक सेट हो जाता है। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने लेयर रख दिया है और साथ ही में साइड से भी क्रीमिंग मैंने फिर से एक बार स्टार्ट किया था। अच्छे से हमें क्रीमिंग करके लेना है और साथ ही में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल व्हिप क्रीम जो हमारा वाइट वाला व्हिप क्रीम है उसी से पूरे केक को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज शेड यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट आने के लिए मैं कोई भी क्रीम में कलर मिक्स करने नहीं वाली हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने हल्के हाथों से क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके लिया है, नॉर्मल व्हिप क्रीम का ही मैंने यूज़ किया था और इसे अच्छे से थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद, मतलब अच्छे से एजेस शार्प करने के बाद हल्के हाथों से हमें यहाँ पे ऑरेंज कलर का इफेक्ट देना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट पैलेट नाइफ के ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज शेड लेना है या जो भी शेड आप यूज़ करने वाले हो,
वो यूज़ आपको करना है। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्क्रेपर का भी यूज़ किया था, जिससे एक्सेस जो क्रीम है तो वो एक्स्ट्रा वाली क्रीम अच्छे से निकल जाए, और साथ ही में जो भी बेस पे क्रीम लगी है या जो भी टॉप पे एक्स्ट्रा वाली क्रीम आई है उसे भी हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हम लोग कलर अप्लाई करेंगे वो कलर भी यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो जाएगा, और जो आपको टेक्सचर मिलेगा, जो भी आपको डिज़ाइन मिलेगा वो भी प्रॉपरली मिल जाएगा। तो थोड़ा सा विप क्रीम के ऊपर क्रीम लिया है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया है, थोड़ा सा टैप करके लेना है। जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसे आप यहाँ पे क्रीम और कलर को मिक्स करके अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने क्रीम इसलिए इस्तेमाल किया है, जिससे क्या होता है, आप डायरेक्टली कभी कभी कलर यूज़ करते हो तो क्या होता है, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कलर यूज़ हो जाता है, तो वो ना हो इसलिए हमें थोड़ा सा ही व्हिप क्रीम लेना है और फिर हमें यहाँ पे जस्ट टैप टैप करके अच्छे से कलर को स्प्रेड करके जाना है। तो देख सकते हो ऐसे करने के बाद फिर से एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक तो आप पैलेट नाइफ से भी कर सकते हो या डायरेक्टली स्क्रेपर का यूज़ करोगे डिज़ाइन करने के लिए, अच्छे से पैटर्न बनाने के लिए तो भी चलेगा। देख सकते हो ऑरेंज शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और हमारा केक का जो इफ़ेक्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर हमें मिल गया है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो केक के ऊपर एक्स्ट्रा वाली क्रीम है वो भी अच्छे से निकाल लेंगे। आपको जितना डार्क शेड चाहिए उतना आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा हल्के हाथों से मैंने टेक्सचर भी करके लिया था, बट हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा कलर आप यूज़ करोगे उतना केक कभी कभी कड़वा भी हो जाता है या बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद भी नहीं आता है, क्योंकि वो हम मुंह में लग जाता है, या केक का अगर आप पीस खा रहे हो तो वो क्रीम कभी कभी मुंह में लग जाता है। तो थोड़ा सा ही क्रीम यूज़ करके, थोड़ा सा ही कलर यूज़ करके आप इसी तरीके से बहुत सुंदर सुंदर से केक बना सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा बेस था उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग करेंगे जो हमारा दूसरा केक है उसका डिज़ाइन। तो दूसरा केक भी हम लोग सेम ही करने वाले हैं, बिकॉज वो केक हम लोग केक इस केक के ऊपर रखने वाले हैं, तो हमारा बन जाएगा टू टायर केक। तो सेम लेयरिंग रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे केक का वीडियो नहीं पोस्ट किया है। देख से देख सकते हो अच्छे से केक का लेयर रखने के बाद व्हिप क्रीम लिया था, अच्छे से स्प्रेड करो, चॉकलेट गनाश हमें यूज़ करना है, और उसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद पूरे केक का मैंने यहाँ पे लेयरिंग करके लिया था। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्रीमिंग करके, केक का लेयरिंग करके अच्छे से हमें अभी साइड से फिनिशिंग देना है, और ये पूरा केक अच्छे से व्हिप क्रीम से कवर करके लेना है। तो सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे, अभी भी नॉर्मल व्हिप क्रीम से पूरे केक को अच्छे से कवर करेंगे, साथ ही में ऊपर से भी अच्छे से कवर करके लेने वाले हैं, और सेम जैसे ऑरेंज कलर यूज़ किया था वैसे ही हम लोग अभी यहाँ पे भी करने वाले हैं। अभी ये वाला केक मैंने जो बेक किया था वो 5 इंचेस के केक टिन में बेक किया था। इससे होता क्या है, टू टायर केक में बहुत अच्छे से डिस्टेंस भी मिल जाता है और केक दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो अब आपके चॉइस से कितने भी इंचेस का केक टिन यूज़ करके केक बेक कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पे मैं अभी साइड से भी क्रीमिंग करके ले रही हूँ, स्क्रेपर का भी इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा वाली जो भी क्रीम रहेगी उसे अच्छे से निकालने के बाद हम लोग डायरेक्टली ऑरेंज कलर केक के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो अच्छे से यहाँ पे कलर अप्लाई करने के बाद हम लोग अभी डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रेपर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे क्या होगा हमें एक बहुत सुंदर सा इफ़ेक्ट मिल जाएगा। सेम हमें केक के टॉप पे भी वैसे ही कलर का इफ़ेक्ट भी देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्क्रेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे हमें एक प्रॉपरली डिज़ाइन और अच्छे से कलर का शेड मिल जाए। और इसके बाद हम लोग केक के टॉप पे भी हल्के हाथों से थोड़ा सा ऑरेंज शेड देने वाले हैं, और फिर से एक बार यहाँ पे हम लोग टेक्सचर करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल एंड बहुत इजीली हमें यहाँ पे हमारा केक मिल जाएगा। फिर से एक बार साइड से स्क्रेपर यूज़ करेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाली क्रीम थी ऊपर की तरफ वो निकल जाएगी, और ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद फिर से एक बार टैप करके टेक्सचर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी केक बहुत सिंपल एंड इजी टेक्निक्स के साथ बन चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा बेस पे एक्स्ट्रा वाला क्रीम आया था उसे अच्छे से हम लोग निकालने वाले हैं, अच्छे से हम लोग यहाँ पे क्लीन करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट 1 kg वाला केक था वो मैंने यहाँ पे टर्न टेबल के ऊपर रखा है। इसके बाद आप डायरेक्टली पैलेट नाइफ से भी लिफ्ट कर सकते हो केक को, या नॉर्मल आप अगर हमारा जो ब्रेड नाइफ रहता है उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रेड नाइफ से केक को जस्ट थोड़ा सा लिफ्ट किया है, देख सकते हो आप, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे आप केक के ऊपर केक को रख सकते हो। और रखने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट इसे रख देना है केक के ऊपर, और इसके बाद आपके पास जो भी नाइफ रहेगा, पैलेट नाइफ रहेगा या ब्रेड नाइफ रहेगा, उसे थोड़ा सा इंसर्ट करके इस तरीके से दोनों भी नाइफ को निकाल देना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसके बाद चॉकलेट गनाश मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके लिया था, माइक्रोवेव किया था जस्ट 10-15 सेकेंड्स के लिए। अच्छे से मेल्ट होने के बाद उसे पाइपिंग बैग में भर देना है और इसी तरीके से हमें ड्रिपिंग देनी है। तो दोनों अपोजिट साइड में यहाँ पे मैंने ड्रिपिंग करके लिया था और बहुत सुंदर यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट मिला था। अभी चॉकलेट ड्रिपिंग कैसे करनी है, कैसे बनानी है, या ड्रिपिंग करने की इजी टेक्निक्स क्या है, जैसे कि आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हो, स्पून से भी कर सकते हो, तो इनके भी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, एक बार ज़रूर चेक कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देख सकते हो इसी तरीके से मैंने अच्छे से ड्रिपिंग करके लिया है। केक का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमें अभी अच्छे से दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा केक यहाँ पे अट्रैक्टिव भी लग रहा था। तो ऐसे ही आप सिंपल तरीके यूज़ करके बहुत सुंदर से केक बना सकते हो। देख सकते हो अब दोनों भी साइड अपोजिट में ही मैंने यहाँ पे जो हमारा ड्रिपिंग है वो करके लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों केक को भी पूरे ड्रिपिंग दे सकते हो। तो अच्छे से ड्रिपिंग देने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ पे कोई भी रियलिस्टिक फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट केक के अंदर आपको यहाँ पे इंसर्ट करके लेना है। सेम अपोजिट साइड में भी मैं यहाँ पे अब इंसर्ट करके ले रही हूँ। साइड से भी हम लोग इसी पैटर्न में यूज़ करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमें अच्छे से दोनों साइड में भी फ्लावर का हमने यूज़ किया है। देख सकते हो केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप इसी पैटर्न से यहाँ पे छोटे से लीव्स यूज़ कर सकते हो, या अगर इस टाइप से आपके पास कुछ और थोड़े से फ्लावर्स के मटेरियल अवेलेबल है तो आप उनका भी ज़रूर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे से लीव्स का भी यूज़ किया था। केक दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अच्छे से हमें केक के अंदर इसे इंसर्ट करना है ताकि वो प्रॉपरली केक डिलीवर करते टाइम भी ईजिली डिलीवर हो जाए। केक मुझे ज़्यादा दूर नहीं डिलीवर करना था इसलिए मैंने आज यहाँ पे कोई भी स्टैंड का यूज़ नहीं किया है या कोई भी स्ट्रॉ का यूज़ नहीं किया है केक के ऊपर रख के। मतलब दोनों केक अगर आपको अच्छे से सेट करने हैं, 2-tier केक 3-tier केक में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली हम लोग किसी भी स्ट्रॉ का या कोई भी केक का स्टैंड रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं। बट अगर नज़दीक ही केक डिलीवरी रहेगी तो इन सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज कोई भी स्ट्रॉ का या कोई भी स्टिक का यूज़ नहीं किया था, जस्ट केक के ऊपर केक रख दिया था मैंने और इसे अच्छे से सेट करने के लिए फ्रीज में रख दिया था। तो कुछ लीव्स भी मैंने यहाँ पे ऐड किए थे बाद में, जिससे हमारा केक और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो देख सकते हो हमारा ये आज का जो केक का डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बॉटम पे भी हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो अभी यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड दिया था केक को थोड़ा सा, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर का क्रीम ही यूज़ किया है, जिससे केक का डिज़ाइन और केक का जो शेड है वो और ज़्यादा सुंदर दिखे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये ग्रास पैटर्न थे मेरे पास अवेलेबल आर्टिफिशियल, उनका भी यूज़ किया है जिससे और ज़्यादा सुंदर दिखे हमारा केक। और इसके बाद हम लोग अभी डिज़ाइन या बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर आप कोई भी नोज़ल का यूज़ कर सकते हो या विदाउट नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे से शुगर बॉल्स भी मैंने यूज़ किए थे इसके ऊपर। जस्ट आपको एक केक टैग लगाना है और आपका केक बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंकल्स या शुगर बॉल्स भी ऐड किए थे जिससे केक और ज़्यादा सुंदर दिखे और जो थोड़ा सा खालीपन था, जो थोड़ा सा ब्लैंक पार्ट था केक का, वो भी अच्छे से भर जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने स्टार नोजल का ही यूज़ किया है और छोटे छोटे से शेल पैटर्न में डिज़ाइन बना के लिया था। थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन यहाँ पे मैंने बनाया है, थोड़ा सा बड़ा वाला स्टार नोजल यूज़ किया है जिससे टू टायर केक का जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखे। देख सकते हो हाफ सर्कल में ही मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, मतलब जहाँ पे भी आपका ड्रिपिंग नहीं रहेगा वहाँ पे आपने अगर सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर बना के लिया तो चलेगा। देख सकते हो जहाँ पे भी ड्रिपिंग था वहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं बनाया था, तो वैसे भी आपका केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो आप इन्हीं सारी टेक्निक्स का यूज़ करके बहुत सुंदर तरीके से केक इजीली बना सकते हो। तो हमारा आज का ये केक का डिज़ाइन आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। इसी तरीके से केक के नए नए डिज़ाइंस और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ और एक नए वीडियो के साथ।